आदरणीय हेम जी को तक हमें जाना है, दादा की अध्यक्षता है। सब लोगों ने अपना बेहतरीन प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया। एक ऐसा बेटा जिसने पूरी शाम से आपका मनोरंजन किया, अपनी संपूर्ण प्रतिभा और क्षमता के साथ हम सभी कवियों को पढ़वाया। उसका ये क्रम नहीं है, उसे बहुत शुरू में हमें पढ़वा देना चाहिए था, लेकिन मंच का जो व्यवस्था था, जो सिस्टम था, उसमें उसका नाम, उसका क्रम यहीं पर आ रहा है। मैं चाहता हूं रीवा से चलकर जिस बेटे ने आपकी रात भर खिदमत की है, पूरे समय आपको अपना अपनी प्रतिभा दी है, उसको भी आप अपने मन से, अपने दिल से बुलाएं। वो एक किसी शायर ने कहा कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त, महबूबा के बाप का चेहरा सख्त तो लगता है। हम भी गगन छुएंगे, तुम आशीष तो दो, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जोरदार तालियां के साथ अमित। छह मिनट में आपके बीच, उसके बाद मैं शांतिपूर्ण ढंग से शांत हो जाऊंगा। खाली कुर्सियों को मैं विशेष प्रणाम करता हूँ। संचालक का नंबर आते आते वैसे ही पंकज भैया शांति मच जाती। बहरहाल मीरा जी पढ़ रही थी अभी, साक्षात वैष्णो माता का अवतार लग रही थी। उसके बाद डायरेक्ट अजय दादा ने हमको खड़ा कर दिया। ऐसा लगा जैसे वैष्णो माता के बाद डायरेक्ट भैरव बाबा प्रकट हुए हूँ। अजय दादा बता रहे थे, पंकज भैया मैं रीवा से आया हूँ। जो लोग रीवा गए होंगे एसपी साहब वो जानते होंगे, रीवा सफेद शेरों की घर धरती कही जाती है, व्हाइट टाइगर की धरती कही जाती है। ये अलग बात है पंकज भैया, आप सोच रहे होंगे कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हुआ। मैं काम का भी आता हूं, ऐसा नहीं है इसके साथ। नवरात्रि के कार्यक्रम में एक बार अजय दादा और रैया बुलाए थे, सच घटना बता रहा हूँ, उसके बाद एक क्षण कविता पढ़ के मैं अपना स्थान ले लूंगा, अब समय ज्यादा हो गया है, आपको भी घर जाना है। नवरात्रि के कार्यक्रम में अजय दादा हमको बुलाए थे, जैसे ही लेके होटल से चले तो चार पांच लोग डंडा लेके खड़े हो गए। तो दादा से पूछे कि आप कौन है, बोले हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। तो ये पूछे कि चंदा उंदा चाहिए, बोले चंदा उंदा नहीं चाहिए, ये बताइए ये आपका कौन है, तो बोले हमारा छोटा भाई है। बोले आपका ये छोटा भाई 9 दिन के लिए खाली है क्या? तो दादा भी हैरान हुए जैसे आप हैरान हुए। अब नजर चेहरे से मत हटाइएगा। बोले आखिर करेंगे क्या आप हमारे भाई का? बोले नहीं, हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं, लाइट टेंट पंडाल माइक सब की व्यवस्था हो गई है, माता जी की मूर्ति भी आ गई है, लेकिन मूर्ति के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो नहीं मिल पा रहा है। तो अगर 9 दिन के लिए ये खाली हो तो हमारा काम बन जाएगा। तालियां एक बार बजा दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए शुरू हो जाऊंगा। हाँ, ताली वाली बजाते रही तो अच्छा लगता है। हम कवियों की आदत है ताली सुनने की, जैसे लाइट से माइक चल रहा है, हम आदत किसी की खराब ना हो जाए, कवियों की आदत खराब है। हम अखिलेश दादा बेंगलोर हवाई फ्लाइट के लिए उड़े बनारस से, तो एयर होस्टेस आई, अब आदत देखिए कितनी खराब है। ये शुद्ध पंडित आदमी है प्रयागराज की, इनकी भी आदत खराब है। एयर होस्टेस आई संतोष भैया और इनसे पूछी कि सर क्या चाहिए आपको, अब इनकी आदत खराब है। बोले हमको पूरी चाहिए, खीर चाहिए, आलू टमाटर की सब्जी चाहिए। एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या तेरे ही नहीं बैठे हैं, आदत खराब। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत उसकी भी खराब थी। जयमाले में जब पहुंचा तो बीबी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है। तो चार पंक्तियां सुनिए, यहीं से धीरे से शुरू होता हूं, 5 मिनट में निवेदन करता हूं। एक नियम अभी लागू हुआ, मैंने आपको पूरी रात हंसाने की कोशिश की, सुनिएगा चार पंक्तियां। एक नियम अभी सरकार ने लागू किया पंकज भैया, मुझे लगा कि अभी ही क्यों लागू होना था, पहले क्यों नहीं लागू कर सकती थी। अगर मेरा तर्क ठीक लगे तो फिर आशीर्वाद दीजिएगा, निवेदन करता हूं, सुनेगा कि संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है। देखिएगा वो नियम अभी ही क्यों लागू होना था, कि संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है। घर में पड़े थे लोग, डर था ये, इसीलिए सरकार ने ये अभी नियम बनाया है। कौन सा? कि घर में पड़े थे लोग, डर था ये, इसीलिए सरकार ने ये अभी नियम बनाया है। कि 2 बच्चे थे पहले ही, अजय दादा 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे, पहुंचिएगा वहां जहां पहुंचाना चाह रहा हूं। 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे, फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और आखिरी पंक्ति में मजा आ जाए तो फिर ताली बजाकर आनंद दीजिएगा। कि 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे, फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और सरकारी लाभ कोई उसको मिलेगा नहीं, कोरोना में देश की आबादी जो बढ़ाया है।
आप सब इस योजना के लाभार्थी लगते हैं। चार पंक्तियां और सुन लीजिए, निवेदन करता हूं। एक महानायक को कोरोना हो गया एसपी साहब, उनके कोरोना होने पे एक अजीब सी घटना क्या दिखाई दी, अगर कवि की नजर गई आपकी भी गई हो तो आशीर्वाद दीजिएगा, सुनेगा निवेदन करता हूं। कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया, मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया, जिनके बिना थे कभी जीते नहीं एक पल, इतने बरस जाने कैसे है जिया गया, यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, स्लिप मत होइएगा वहीं पहुंचिएगा जहां पहुंचाना चाह रहा हूं, यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, अब जाके उपहार उनको दिया गया, निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको, मैंने पूरी रात हंसाया, सब कुछ किया, इन कवियों ने आपको आनंदित दिया। चार पंक्तियां अच्छी सुन लीजिए, वरना मेरा मन रह जाएगा बरादा वालों, क्योंकि अब समय नहीं है मेरा पूरा काव्य पाठ करने का, मैं 2 से 4 मिनट, 2 से 3 मिनट, उसके बाद दादा का आशीर्वाद देना है, लेकिन हंसी ठहाके पे बात नहीं रह जाए, इसलिए एक छंद में समर्पित करता हूँ। मेरा मन है जो मेरी आत्मा का छंद है, इस समय पर हर जगह पढ़ रहा हूँ और बहुत वायरल हुआ है इन चैनल से, मैं मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ इस छंद पर और दादा का आशीर्वाद चाहता हूँ। सुनिएगा, आपके गांव में भी आप सब गांव में रहने वाले लोग हैं, मेरे जेब में पूरी रात के लिए हंसी ठहा के भरे पड़े हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं सुना दूंगा, लेकिन मेरे मन का आत्मा की बात पहुंचाइए, अगर बताइएगा कि कविता भी सुनता है रानीगंज। सुनेगा, गांव में कौन लोग लौट कर आए हैं कोरोना में, अगर एक एक पंक्ति सच लगे तो मैं चित्र दिखाता हूं। सुनेगा, निवेदन करता हूं। कि कष्ट दे रही बहुत सीख, ध्यान रखिएगा, संकट काल में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई काम आता है तो केवल आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि काम आती है। मैं निवेदन करता हूँ, समर्पित करता हूँ पंक्तियां। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए, कौन लोग गांव लौटे। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए, माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। दूसरी पंक्ति में आपने तालियां दे दी है तो चौथी पंक्ति में आप महोत्सव कर देंगे। कि माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए, बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता कि क्या हुआ, बूढ़ी माँ ये सोच रही, बूढ़ी माँ ये सोच रही, बेटे उससे मिलने को छोड़ कर सारा काम काज गांव आ गए। आखिरी पंक्ति संभाल लीजिएगा रानीगंज वालों, बूढ़ी माँ ये सोच रही, बेटे उससे मिलने को छोड़ कर सारा काम काज गाँव आ गए, बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गाँव आ गए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मन मन गदगद कर दिया आपने, मन गदगद कर दिया, बस प्रतापगढ़ वालों मन गदगद कर दिया। एक छोटी सी रचना जो मेरा मन है, चलते चलाते 2 से 2.5 मिनट में संक्षिप्त करके रचना पढ़ता हूँ। बेटियां मंच पर विराजमान है और सुन रही हैं बेटियां, शायद कहीं से बहुत कुछ हुआ है बेटियों पर रचनाएं। जब एक कवि पति बनता है, पति बनने के बाद हर पुरुष का सपना होता है पिता बनना, जब मैं पिता बनना चाहा तो कवि की कल्पना कहां से कहां तक गई। 2 से 2.5 मिनट में निवेदन करता हूं, चित्र बनाइएगा, उसके बाद हेम दद्दा का आशीर्वाद देना है। सुनेगा, चित्र बनाइएगा, कोई ताली नहीं, कोई बाह नहीं, बस मेरी आत्मा के साथ जुड़िएगा। कि कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी, मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, प्यारी ये तो बताओ कौन हो तुम, बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं, मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। आंसू खुशी के छलकने लगे, पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान में उस बच्ची से क्या कह रहा था, मैंने कहा कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी, और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी, किसी बेटी का पिता बनूं, इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ, तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पालने पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा, अरे आओ देख
देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। बरादा वालों में उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुना रहा था। मैंने करे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहाँ हर बाला देवी की मूर्त है। अरे जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है। तालियां अपने गलत जगह पर बजाई। इतना सुनते ही कविता का यू टर्न मारिएगा। इतना सुनते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। बोली सच है, अब शायद अगली पंक्ति में आपके गुस्से की तालियां आएंगी। बोली सच है पापा, सच है कवि देवता पैदा हुए थे इस देश में। अब तो बस दरिंदे भी घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची सुबह अखबार पढ़ने उठिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे समाज की कल्पना हमने तो क्या गंगा माई ने भी नहीं की होगी। बोली सच है, आप जैसे कई पिताओं के सपने, विदा करिएगा मैं कविता संक्षिप्त करके पढ़ रहा हूँ। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे, यूं ही टूटते रहेंगे। क्या किया था मैंने, गुड़िया दामिनी बिट्टू लाडो आसिफा उन तमाम बच्चियों के पिताओं ने एक सपना ही तो देखा रहा होगा। बोली आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में बहसी दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। डर है तुमको, डर है तुमको। ये कविता जब मैंने लिखी तो मेरे अग्रज कवियों ने कहा कि इसे पूरा करो। मैंने उपसंहार लिखने की 4 पंक्तियां कोशिश की और निवेदन करता हूँ, सुनेगा। और अगर एक गुस्सा आया हो या कि एक आंसू छलकने की कोशिश किया हो तो पंक्तियों पर पूरा आकाश थमा दीजिएगा। निवेदन करता हूँ कि डर है तुमको, डर है तुमको तो मत आना। डर है तुमको तो मत आना बिटिया, तुम बस रानी बनकर आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर। आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर। जब जब बेटियां दुर्गा चंडी सी ज्वाला बन जाएंगी, उनकी असमत में फिर कोई यहाँ हच ना आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।